जो अपना जो कांजी था वो काफी सॉफ्ट थे, मैंने देखा काफी बहुत हार्ड रहते हैं वो। कांजी बड़े भी बहुत अच्छे हैं, मैं ऑफिस से जब भी जाता हूँ, जब भी यहाँ रुकता हूँ तो आप डेली जमाते हो? ताई रेगुलर जमता है, रेगुलर जमता है, अच्छा इसलिए उसका इतना फ्रेश फील आ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि दही बड़े में स्पेशली तीन तरह के कांजी बड़े सर बता रहते हैं, जो बच्चों का अलग, हरी चटनी का पानी जो कि तीखा है, और कांजी बड़े देख प्योर मूंग की दाल के होंगे, इसमें हरी चटनी का पानी और है अलग से, वो इसी के साथ मिलता है। अच्छा ऐसे ना, काफ़ी अच्छा है, आप प्योर मिलेगी, कोई चीज़ नहीं गलत। दही बड़ों का भी काम था, मानसरोवर में पहले मेरी दुकान थी, लॉकडाउन में दुकान खाली करनी पड़ गई। अच्छा तो आप फिर उसके बाद ये आप ऐसा, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सुमित जयपुर ब्लॉग। गाइस आपने दही बड़े और कांजी बड़े तो बहुत खाए होंगे होटल में, फाइव स्टार में और चौपड़ पे, लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसी लोकेशन पे लेके आया हूँ जो कि काफ़ी साल से अंकल जी मेहनत करके स्कूटी पे कांजी बड़े और दही बल्ले बेचते हैं। एड्रेस ये है नियर OTS चौराया दैनिक भास्कर। तो दोस्तों सर के पास मैं आ चुका हूँ और आप देख सकते हो किस तरह से सर ने स्कूटी पे ये सजा रखा है, और स्कूटी पे ही काफ़ी साल से सर इसको बेच रहे हैं, जो कि बहुत ही फेमस इनके कांजी बड़े और दही बल्ले हैं। और सर के पास चलते हैं और बात करते हैं कुछ। सर के पास हम आ चुके हैं और सर से पूछते हैं सर की जर्नी किस तरह से थी और सर का नाम क्या है। सर सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश पंडित है। अच्छा सर आप कब से लगा रहे हो ये? यहाँ पर तो करीब 2 साल हो गए। अच्छा पहले इससे पहले कुछ काम करते थे या यही लगा रहे हो? नहीं, मेरा भजनों का भी काम था और दही बड़ों का भी काम था, मानसरोवर में पहले मेरी दुकान थी, लॉकडाउन में दुकान खाली करनी पड़ गई। अच्छा तो आप फिर उसके बाद ये आप ऐसे लगा रहे हो? हाँ। अच्छा तो सर एक बार अपना एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस और प्रॉपर टाइमिंग और बता दीजिए। एड्रेस जहाँ रहता हूँ ये दैनिक भास्कर कुलिया के पास, विद्याश्रम स्कूल के बिल्कुल सामने मेरा ये सेटअप है, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लगातार यहाँ रहते हैं। और आप क्या क्या चीज़ लगाते हो इसमें? हमारे कांजी बड़े हैं, दही बड़े हैं, कांजी तीन तरह की कांजी बेचते हैं, एक हरी चटनी वाली, खट्टी मीठी और सादा लाल मिर्च वाली। अच्छा सबसे यहाँ की कुछ फेमस है क्या आपकी? दही बड़े और कांजी बड़े दोनों फेमस है, दोनों फेमस है, लोग बराबर तुलना में खा के जाते हैं, दोनों आइटम एक साथ खाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अब हमारे लिए बना लो कुछ। दही बड़े बनाओ या कांजी बड़े खाएंगे? कांजी बड़े दोनों बनाओ सर, दोनों एक एक। सर ये क्या है? ये दही बड़े बन रहे हैं। दही बड़े बन रहे हैं, सारी आइटम आपको प्योर मिलेगी, कोई चीज़ नहीं गलत, नहीं कोई गलत चीज़ नहीं है, सारी आइटम प्योर है, प्योर गारंटी के साथ लेबोरेटरी में चेक कराओ। अच्छा ये कौन सा मसाला है? ये लाल मिर्च, लाल मिर्च। गाइस मैं बता दूं आपको, सर का दही बड़े जो बनाने का तरीका है वो अलग ही है। ये क्या है सर? ये जीरा, जीरा, ये दही। हरी चटनी, हाँ ये हरी चटनी है, छोटी वाली हरी मिर्च जो आती है, तीखी वाली, तीखी वाली वो वाली मिर्च चटनी बनाते हैं। तो भाई सर से हमने अभी दही बड़े जो हैं प्लेट तैयार करवा ली है, और सबसे अच्छी बात यह है कि सर ने हमें टिश्यू भी दिया है नीचे, तो इसको खा के टेस्ट करके आपको बताते हैं। ये क्या सर अपना? ये कांजी बड़ा तैयार हो रहा है। कांजी बड़ा प्योर मूंग की दाल के होंगे, हम सूजी और छोले की दाल कभी यूज ही नहीं करते, प्योर मूंग की दाल के, प्योर मूंग की दाल, क्योंकि हमारे दिल्ली के अंदर मूंग की दाल के ही बनते हैं, इसलिए हम छोले की दाल और सूजी मिक्स करते ही। ये काय का पानी होता है सर? ये राई, दोनों राई, दोनों सरसों, तीनों नमक, तीनों नमक उसका पानी होता है। हाँ इसमें भी डलते मसाले वगैरह कुछ? हाँ इसमें मसाला डलता है। तैयार, इसमें हरी चटनी का पानी और है अलग से, वो इसी के साथ मिलता है। अच्छा
तो दोस्तों सर ने अभी एक कांजी बड़े की प्लेट भी तैयारी कर दी है, और ये जो है ये हरी चटनी का पानी जो कि तीखा है, और कांजी बड़े देख के मुंह में पानी आ गया, तो उसको टेस्ट करके बताते हैं। दही बल्ला और कांजी बड़ा दोनों टेस्ट करके। अभी हमने दोनों प्लेट सर से बनवा ली है और हम पेड़ की छांव में बैठ चुके हैं। छोटा सा सेटअप है सर का, काफ़ी अच्छा है, इसको टेस्ट करके और फिर बताते हैं, क्योंकि मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे मुंह में जो है पानी आ रहा है। टेस्ट करते हैं कांजी बड़ा, बहुत तीखा है। दोस्तों वाकई में इसका टेस्ट है ना काफ़ी अच्छा है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और एड्रेस आपको वीडियो में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर आप आइए और विजिट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसका जो टेस्ट है कांजी बड़े का काफ़ी अच्छा है। मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया है कांजी बड़ा, लेकिन फिर भी सर भैया का जो टेस्ट है एक नंबर टेस्ट है। वाकई में गाइस टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दही बड़े मैं खाता नहीं हूं, लेकिन सर का जो दही बड़ा है काफ़ी टेस्टी है, इसलिए मैं खा रहा हूं। गाइस ये जो कांजी बड़ा है इसका जो टेस्ट है बिल्कुल फ्रेश इसका टेस्ट है, और मैं बता दूं आपको जयपुर में काफ़ी जगह जो है कांजी बड़ा फेमस है, लेकिन इन सर का भी कोई मुकाबला नहीं है कांजी बड़ा के टेस्ट में और दही बल्ले के टेस्ट में। तो गाइस बात करें कस्टमर रिव्यू की, तो यहाँ पे ये सर आए हुए हैं, सर से पूछते हैं, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर सोनी। सर आप यहाँ पे कब से कांजी बड़ा और दही बल्ले खा रहे हो? सर मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ पंडित जी के दही बड़े बहुत अच्छे हैं और इनके कांजी बड़े भी बहुत अच्छे हैं। मैं ऑफिस से जब भी जाता हूँ, जब भी यहाँ रुकता हूँ तो इनके यहाँ रुक के जाता हूँ, जैसे आज रुकाऊँ मैं। तो सर आप व्यूवर्स को क्या बोलना चाहोगे? सर मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा कि कोई भी बासको रोड पे, इस रोड पे आए तो एक बार पंडित जी के दही बड़े और कांजी बड़े खा के देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू। गाइस हमने जो अभी यहाँ पर कांजी बड़ा और दही बल्ला खाया, बहुत ही यूनिक टेस्ट था सर का, मैंने इतनी जगह पर ये खाए हैं, मतलब इतना फ्रेश, इतना टेस्टी, मतलब उसके अंदर आपको मतलब जीरा वगैरह जो सर ने डाला हुआ था उसका अलग ही टेस्ट आ रहा था, मिर्च वगैरह अलग ही था, और सर के पास स्पेशली तीन तरह के कांजी बड़े सर बता रहे थे, जो बच्चों का अलग मीठा कांजी वगैरह जो है, और मिर्ची वाला भी सर का तीखा अलग से, जो तीखा खाना होता वो भी है। तो सर से एक बात पूछते हैं, सर का जो दही था वो बहुत ज़्यादा फ्रेश था, तो सर तो उस दही के बारे में बात करते हैं, वो इतना फ्रेश और इतना बढ़िया कैसा था, और जो कांजी थे सर के, जो कांजी जो सर के थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे, तो उनका भी राज सर से पूछते हैं अपन। आओ अच्छा, अपना जो दही था वो इतना फ्रेश और इतना अच्छा कैसा लग रहा था, मतलब उसमें क्या था? मतलब सर ये रोज़ हम सुबह रात को उबाल कर उसको जमा देते हैं। अच्छा, रात को रोज़ आप डेली जमाते हो दही? रेगुलर जमता है। अच्छा, इसलिए उसका इतना फ्रेश फील आ रहा था उसके अंदर, क्योंकि बचता ही नहीं तो रेगुलर जमाना पड़ेगा। अच्छा। और जो अपना जो कांजी था वो काफ़ी सॉफ्ट थे, मैंने देखा काफ़ी बहुत हार्ड रहते हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट थे, इसलिए क्योंकि हम प्योर मूंग की दाल के बनाते हैं। अच्छा, प्योर मूंग की दाल के आप वो बनाते हैं, इसलिए वो काफ़ी सॉफ्ट हैं। अच्छा, और आप बता रहे थे आपके लिए बच्चों के लिए भी अलग से वो कांजी वाला मीठी कांजी है, और अलग से वो है तीखी भी है, हरी मिर्च वाली मीठी कांजी भी मिल जाएगी, और लाल मिर्च की। मतलब मुझे लगता है शायद जयपुर के अंदर आपको ये तीन तरह की कांजी शायद ही मुश्किल कोई देता होगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं देता है, है ना। तो दोस्तों आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, आप एक बार आइए और विजिट कीजिए नियर OTS चौराया दैनिक भास्कर पुलिया। तो ये जो सर है इनकी जर्नी जो है काफ़ी स्ट्रगल रही थी, क्योंकि कोविड के कारण इनको वो शॉप खाली करनी पड़ी मानसरोवर में, लेकिन इनने सर ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, और बिल्कुल भी हार नहीं मानने के कारण आज स्कूटी पे ये कांजी बड़े और दही बल्ले बेच रहे हैं, और इनका जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा टेस्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई करें OTS चौराया नियर दैनिक भास्कर पुलिया जयपुर। और एक बात और, आपको बहुत ज़रूरत है ये वीडियो शेयर करने की, क्योंकि सर के जो स्ट्रगल है काफ़ी बहुत ही जर्नी है, काफ़ी स्ट्रगल वाली रही है, तो मैं यही विनती करूँगा आपसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आने की कोशिश करें, क्योंकि इनका टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब के लिए
बाय बाय। और इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर लेना सुमित जयपुर ब्लॉग।